बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ईद मुबारक, हैप्पी बिलेटेड ईद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोग की ईद बहुत अच्छे तरीके से गुजरी होगी। होप यू हैव इंजॉयड अ लॉट। अब खूब सारी छुट्टियाँ हो गई हैं, आते हैं अपनी स्टडीज़ की तरफ दोबारा और रिज्यूम करते हैं अपनी स्टडीज़। बेटे, ईद हॉलीडेज से पहले मैंने आप लोगों को करवाए थे फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बेटे, हम लोगों ने फ्रैक्शन किया था, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स और एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ मिक्स नंबर्स, उसके अलावा हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे। ठीक है, आज जो हम करना जा रहे हैं बेटे वो मैथ्स बी का हम स्टार्ट करेंगे। मैथ्स बी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज डेसिमल्स। ठीक है, आज हमने डेसिमल्स स्टार्ट करना है। आपके पास चैप्टर 2 है डेसिमल प्लेस वैल्यू, और पहला टॉपिक जो है वो है चार्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज। बेटे, आप लोग के स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा दैट दिस इज ऑल हैज बीन रिकॉर्डिंग, काइंडली टर्न ऑफ द वीडियोस। कोई भी बच्चा वीडियो ऑन ना करे, बाय मिस्टेक भी अवॉइड कीजिएगा कि आपके वीडियोस ऑन ना हो। अभी अभी तो आप आई हैं बेटे, व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड्स, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट तो कर लें, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे आई विल अटेंड देम। ओके, जस्ट लोअर योर हैंड। जी बेटे, टॉपिक पे मूव करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपने डेसिमल प्लेस वैल्यू, लेट अस रिवाइज द प्लेस वैल्यूज ऑफ होल नंबर। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ बी वी हैड लर्न्ड प्लेस वैल्यूज अप टू मिलियंस। हम लोगों ने जो चैप्टर 1 है उसमें प्लेस वैल्यूज की थी किसकी, होल नंबर्स की। हमारा पहला चैप्टर था प्लेस वैल्यू ऑफ होल नंबर्स, और उसमें हमने की थी अप टू मिलियन। बेटे, अप टू मिलियन के लिए आपने क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। आपके पास प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन। यूनिट, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियंस। ठीक है, ये आपकी है प्लेस वैल्यू ऑफ होल नंबर्स। इसी तरह ईच डिजिट इन नंबर सिस्टम हैज इट्स ओन वैल्यू, आइदर इन होल नंबर्स और इन डेसिमल्स। इसी तरह बेटे, आपके पास जैसे होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू है, आपके पास डेसिमल्स की भी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे जैसे वो डिजिट अपनी जगह पर आता है, जो भी उसकी पोजिशन होती है, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन इन डेसिमल पार्ट नोन एज प्लेस वैल्यू, डेसिमल प्लेस वैल्यू। ठीक है, जो आपके पास डेसिमल प्लेस वैल्यू है, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं, जिस पोजीशन पे लिखे हैं, उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनकी अपनी एक प्लेस वैल्यू है। और जो आपके डेसिमल पॉइंट से पहले लिखे हुए हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। सबसे पहले बेटे आप ये देख लीजिए कि जो आपका सिंपल नंबर है, ये एग्जाम्पल ले लीजिए बेटे, टर्न ऑफ द वीडियोज, टर्न ऑफ द वीडियोज, दिस इज 327। ओके, अब इसमें हम जानते हैं कि द डिजिट 7 इज इन वंस प्लेस, 2 is in tens place, the digit 3 is in hundred place. ठीक है, इसमें जो बात नोटिस करने की है वो ये है कि जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाते हैं, यू आपका नंबर 10 टाइम्स बिगर होता जाता है। एवरी नंबर कीप इंक्रीजिंग बाय 10x, 10 का मल्टीपल होता है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 एंड 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 एक बिकम 1000। तो आपके पास क्या आ जाता है, 1, 10, 100 और फिर 1000। इसी तरह जब आप 1000 को मेरे बेटे मल्टीप्लाई करते हो 10 से, तो वो आपके पास बन जाता है 100,000। ठीक है ना, ये आपके पास इसी तरह 10,000, 100,000 बढ़ता चला जाता है। यही आपके पास अब आ जाइए डेसिमल प्लेस वैल्यू पे। व्हाट इज अ डेसिमल प्लेस वैल्यू, बेटे मेरे पास कॉन्स्टेंटली आ रहा है, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। बेटे, टर्न ऑफ द वीडियोस, आपके वीडियोस ऑन होती हैं।
नेटवर्क में इश्यू आता है, स्पीड स्लो होती है और साथ ये मैसेज ब्लिंक होना शुरू हो जाता है मेरी स्क्रीन पर, विच इज़ नॉट गुड. बेटे ये जब मैसेज ब्लिंक होता है तो ये बहुत कंसंट्रेशन डाइवर्ट होती है. काइंडली ऑल द स्टूडेंट्स टर्न ऑफ द वीडियो. जज़ाकअल्लाह बेटे जी. नाउ आई कैन स्टार्ट. अच्छा जी बेटे, अब हम करेंगे चार्ट ऑफ डेसिमल प्लेस वैल्यू. चार्ट ऑफ डेसिमल प्लेस वैल्यू के लिए आपको ये तो पता है कि इफ देयर इज अ नंबर 4312.356 बेटे, इसमें जो डेसिमल पॉइंट होता है आप उसको क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं, ये जो आपके पास होता है ये कहलाता है आपके पास पॉइंट. डेसिमल पॉइंट को आप कहते हैं पॉइंट, 4312.356. और इसके अंदर जो दूसरी बात आपने याद रखनी है बेटे, यू हैव टू कॉल ईच डिजिट, यू हैव टू प्रोनाउंस ईच डिजिट इंडिविजुअली, यू हैव टू रीड अलाउड द नंबर्स इंडिविजुअली. आप इसको 4312.356 नहीं पढ़ेंगे बेटे, आप इसको पढ़ेंगे 4312.356. चाहे आपके पास टू डिजिट्स हो, चाहे आपके पास थ्री डिजिट्स हो, यू हैव टू कॉल देम इंडिविजुअली. ठीक है, अब हम अपने डेसिमल के पॉइंट्स पे आ जाते हैं. डेसिमल नंबर्स आर नंबर्स दैट आर रिटन अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज. द डेसिमल पॉइंट इज यूज्ड टू सेपरेट द होल नंबर्स फ्रॉम द नंबर वैल्यूज लेस देन वन. बेटे आपने ये बात अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि ये जितनी आपके पास वीडियोज हैं, ये जितनी आपके पास वैल्यूज हैं, ये सारी हैं आपके पास डेसिमल पॉइंट से पहले जितनी वैल्यूज लिखी हुई है वो सारी आपके पास है होल नंबर्स. वो सारी क्या होती हैं? होल नंबर. और जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज आती हैं बेटे, वो सारी होती हैं वो वैल्यूज जो कि वन से छोटी हैं, जो कि डेसिमल पार्ट है, जो वो वैल्यू जिसकी वर्थ वन से भी कम है, जो लेस देन वन है, जो पॉइंट्स में है. ठीक है, जो लेस देन वन होगा बेटे वो डेसिमल पॉइंट के पास जाएगा, और जो मोर देन वन होगा वो तो यूनिट्स में लिखा जाएगा या टेंस में लिखा जाएगा. सिर्फ एक बात आपने अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है और वो ये है कि द नंबर्स विच आर रिटन टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर decimals are the fractional part and the numbers which are written on the left of the decimal point are whole numbers. वो whole numbers है जो बेटे आप हमेशा से करते आए हैं. ठीक है, और एक और मजे की बात ये है कि जो आपके पास होल नंबर्स हैं उनकी वैल्यू आगे जाती रहती है और इंक्रीज होती जाती है. एज यू मूव ऑन द वैल्यू कीप इंक्रीजिंग. और जैसे ही आप जो है डेसिमल पॉइंट की तरफ आते हैं तो एक तो सबसे पहली बात सितम जरीफी ये कि ऑलरेडी वो होल नंबर वन से कम है, और सेकंड बात क्या है कि जैसे जैसे एज यू मूव फर्दर द वैल्यू कीप डिक्रीजिंग, आपके वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है. 356, 356, इसमें जो 3 है दैट इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे आपकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी. ये देखिए बेटे, लेफ्ट ऑफ द डेसिमल वैल्यू कीप्स इंक्रीजिंग एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल द वैल्यू कीप डिक्रीजिंग. गर्ल्स काइंडली बेटा टर्न ऑफ द वीडियोस, टर्न ऑफ द वीडियोस माय चाइल्ड, टर्न ऑफ द वीडियोस. हाँ, अभी आपकी स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर तो नजर आए ना मेरे बेटे जी. उसके बाद आप ये देखें कि ये किस तरह होती है आपकी प्लेस वैल्यू. ये आपके पास है डेसिमल पॉइंट, ये आपके पास डेसिमल पॉइंट है. डेसिमल पॉइंट से पहले वो नंबर्स है जो आपने हमेशा से किए, जैसे कि यूनिट, टेंस, हंड्रेड. ठीक है, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर कुछ और आएगा तो वो क्या बन जाएगा? थाउजेंड. और इसके पहले कुछ आएगा तो वो क्या बन जाएगा? 10,000. और उसके बाद होगा तो 100,000. ठीक है, आप यहाँ पर जाते रहेंगे आपकी वैल्यूज 10 से मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज होती रहेंगी. ऑन द अदर हैंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल वैल्यूज कीप डिक्रीजिंग, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी. यहाँ पर आपके पास जो है उसकी अपनी पहचान है. होल नंबर से डेसिमल नंबर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो आपके पास प्लेस वैल्यूज आ जाती है वो चेंज है. यहाँ पर आपके पास आता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड. टेन टी एच एस, हंड्रेड टी एच एस, थाउजेंड टी एच एस, आपके पास
डेसिमल में यूनिट नहीं होता है, द वैल्यूज ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर होल नंबर्स एंड द वैल्यूज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज लेस देन 1. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लर्न द प्लेस वैल्यूज, अंडरस्टैंड देम. लेट्स, ठीक है, आपने सिंपली इनको समझना है बेटे, इनको याद कर लीजिए. एक बार आप इनको याद कर लेंगे तो आपके पास बहुत आसान हो जाएगा, फिर आपको बिल्कुल भी ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा. अब मैं आपके एक और पिक्चर शेयर करती हूँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी. और आपके लिए, या अल्लाह, ये रॉबर्ट कौन है मेरे बेटे? साइन इन विद योर क्लास आई डी, क्लास सेक्शन, ओके, ताकि आपकी अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो. अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक और इजीएस्ट वे कि किस तरह इन वैल्यूज को याद किया जा सकता है. बेटे इसको गौर से देखिएगा. ये देखिए, आपको अभी मैंने पहले बताया, जैसे कि जो आपके पास है, यूनिट, यूनिट की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती है. यूनिट को आप फातिमा खुर्रम, देखिए बेटे, टर्न ऑफ द वीडियो. क्योंकि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको क्लास से रिमूव करूँ, आपको क्लास से जो है वो एक्सक्लूड कर दूँ. आपका लेक्चर का हर्ज होगा और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए. बस बेटे आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही है, काइंडली टर्न ऑफ द वीडियोज, ठीक है? ये देखिए, ये जो मैसेज ब्लिंक कर रहा है, ये मेरी स्क्रीन से जा ही नहीं रहा है. चलो, एज यू लाइक. है बेटे, ये आपके पास टेंस है. वन से आपको मैंने बताया कि वन की कोई वैल्यू इसमें नहीं होती है. वन की कोई भी वैल्यू डेसिमल प्लेस में नहीं होती है. दिस इज वन, और इसकी जगह पे क्या आ जाता है? डेसिमल पॉइंट, ठीक है? फिर आपके पास है टेंस, और टेंस में डेसिमल पॉइंट की जगह पे क्या आ जाता है? टेंस, टेन, टी एच. ये आपके पास है हंड्रेड, यूनिट टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसा ही है. और जब आप इसको डेसिमल पॉइंट मूव करते हैं बेटे, यूनिट्स की जगह ले लेता है डेसिमल पॉइंट, टेंस की जगह ले लेता है टेंस, और हंड्रेड्स की जगह ले लेता है हंड्रेड्स, हंड्रेड टी एच एस, और बेटे जो थाउजेंड होता है, थाउजेंड की जगह ले लेता है थाउजेंड, थाउजेंड टी एच एस. इसमें बात क्या है बेटे? बात इसमें ये है कि यहाँ पर आप इसमें टी एच एस ऐड कर देते हैं. यहाँ पे ये है मल्टीपल ऑफ टेन, यहाँ पे दिस इज डिवाइडिंग बाय टेंस. वंस इज टेकन बाय द डेसिमल पॉइंट, टेंस इज टेकन बाय tens, 100 is taken by hundreds, and 1000 are taken by 1000, 1000 THs. All you have to do, just keep learn the value. आपने simple इसकी value को याद करना है. और याद करने का तरीका क्या है बेटे? Simple, unit 10, 100, 1000. और यहाँ पे unit क्या है? Decimal point, तो 10, 100, 1000. जैसे आपके पास बेटे यहाँ पे 10,100,000 है, उसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पर 10,100,000 है. लेकिन इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर टी एच एस ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे की ऐड कर दिया है टी एच एस. इससे इसका मतलब चेंज हो गया. ये मतलब है कि दिस इज आपके पास आ जाता है ये 10, ठीक है? ये आपके पास है बेटे 100, ओके. This is 1000, and on the other hand, this is 10. यानी कि something समझे, कोई भी value है, let it be x, x over 10, और ये आपके पास है x over कोई भी unknown value 100, ठीक है? और ये आपके पास आ जाती है x over 1000, ठीक है? जैसे जैसे आप उस पे move करते जाते हैं, रॉबर्ट से आप रॉबिन हो गए हैं. और ना जाने कौन से फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं बेटे. डू यू वॉन्ट मी टू रिमूव यू? आई एम वार्निंग यू फॉर सेवरल टाइम्स. अगर आप चाहते हैं तो बेटे मैं आपको क्लास से रिमूव कर देती हूँ. इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, ठीक है? अच्छा, ये बेटे ये आपका हो गया 1000. क्लियर हो गया मेरे बेटे? ये मल्टीपल्स ऑफ 10 है और ये
दीज वैल्यूज आर डिवाइडिंग मेंटेन, इसलिए ये आपके पास शॉर्ट से शॉर्ट होती जा रही है। ये देखिए बेटे, आप इसमें मजीद समझ सकते हैं, आपके पास एक नंबर है 273.468। अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद हर नंबर को अलग अलग पढ़ना चाहता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 2 है इसमें 100, ठीक है। 7 आपके पास क्या है मेरे बेटे, 7 इज इन टेंस, 3 इज इन यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद देन यू हैव टू पुट अ डेसिमल पॉइंट, इसके बाद जितने वैल्यूज है वो किस में आ जाएंगे बेटे, डेसिमल पॉइंट में आ जाएंगे। ये आपने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक पुट कर दिया, उसके बाद जो वैल्यू है वो है 4 किस में लाई करते हैं, 4 इज लाइंग इन द 4th टेंस, ये देखिएगा 10 THs। उसके बाद 6 इज लाइंग इन 100s, 100 THs, एंड 8 इज लाइंग इन 1000s, क्लियर बेटे। ये देखिएगा आपके पास ये नंबर है 123.25, ठीक है। इसको मैंने पढ़ा कैसे, 123.25, ये आपका यूनिट है, ये आपका टेंस है, ये आपका हंड्रेड्स है, ये आपका डेसिमल पॉइंट आ गया। और उसके बाद समझे वन की जगह पे आपका डेसिमल पॉइंट आ जाए, फिर यूनिट के बाद क्या गया, टेंस, हंड्रेड्स, और अगर कोई और नंबर होता तो वो क्या कह रहा था, थाउजेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास मैंने पहले भी कहा था, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज है दीज आर होल नंबर्स, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो वैल्यूज है दीज आर फ्रैक्शनल पार्ट्स। वो आपके पास डेसिमल है, वो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट्स है, डेसिमल एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स आर वन एंड द सेम, ओके। ये देखिए बेटे, आप इस जो सेकेंड पिक्चर है इसमें आपको और अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। 2 is lying in units, ठीक है। 4 is lying in tens, और ये देखिए यहाँ पे बेटे जो मैं आपको बताया इसका मतलब है 4/10, इसका मतलब क्या है 4/10, 5 के प्लेस पे आ रहा, किस प्लेस पे है उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड प्लेस डेसिमल के पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस क्या कहला दिया, हंड्रेड्स, और इसका मतलब है 5 is being divided by 100, और थर्ड प्लेस क्या कहलाती है, थर्ड प्लेस कहलाती है थाउजेंड्स। थर्ड प्लेस वैल्यू क्या है, थाउजेंड्स की, इसका मतलब है कि 6 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 1000, 6/1000, ठीक है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, द प्लेस वैल्यू बिफोर डेसिमल पॉइंट इज होल नंबर एंड द वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट व्हिच इज लेस देन 1, सो इट कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस आल्सो, ठीक है। वो आपके फ्रैक्शंस में भी इजीली डिफाइन की जा सकती हैं। कीप इट इन योर माइंड, द वैल्यू टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट कीप इंक्रीजिंग, ये आपने बेटे अपने ध्यान में बात हमेशा रखनी है कि जो आपके पास होल नंबर के इधर वैल्यूज होती हैं बेटे वो क्या होती हैं, देखिए इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आप यहाँ जाएंगे, देखिए ये 3 था, उसके बाद आप इस प्लेस पे आए तो वो 23 बन गया, ठीक है ना, ज्यादा हो गया, और ये आप यहाँ पर आए तो 123 बन गया। जिससे जैसे एज यू मूव फर्दर द वैल्यू कीप इंक्रीजेस, और डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे जैसे आप डेसिमल से दूर जाते रहते हैं आपके पॉइंट डिक्रीज होते जाते हैं, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। एक बच्चा है, उसके अगर नंबर आए 23.5, ठीक है, और दूसरा बच्चा है उसके आए हैं 23.05, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 23.5 यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, आपका कंपैरिजन यहाँ पर ही खत्म हो जाता है बेटे। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, क्योंकि जैसे जैसे आप डेसिमल पॉइंट में दूर जाते रहते हैं आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ये 0.5 आपके पास वैल्यू एज कम्पेयर टू 23.05 बड़ी है, क्लियर है। अब आ जाते हैं बेटे आपके एक्सरसाइज की तरफ, जो आपको उसमें दी हुई है, असाइनमेंट में दी हुई है, और जो आपके पास चैप्टर 2 की सबसे पहली एक्सरसाइज है। इट सेज write the value of color digit, okay, in exercise A you have to write down the value of the color digit, the digit which has been highlighted, aapko uski value likhni hai, usko value likhne ka tarika kya hai bete, ye aapke samne hai 66.9, okay, ab aapne karna kya hai ki sabse pehle iske upar प्लेस वैल्यू लिख लेनी है, आपने पहले प्लेस वैल्यू याद कर लेनी है, प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट 10, 100, and on the other side you have to put a decimal point, then tens, hundreds and thousands,
तो मैंने क्या किया, अब मुझे बतानी है कि ये 6 कलर्ड है तो इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसका शॉर्टकट क्या है कि डेसिमल के ऊपर डेसिमल पुट किया मैंने, ये तो हमारे पास यूनिट है, ये 10 है, और यूनिट के साथ इसमें यूनिट नहीं होता तो इसमें कहाँ से काउंटिंग शुरू हुई, 10 में 10, और इसको छोटा सा ऊपर लिख लूंगी टी एच, 10 TH। अब बेटे मैंने वैल्यू किसकी बतानी है, मैंने वैल्यू बतानी है इस नंबर की, तो इस नंबर के ऊपर क्या लिखा 10, तो मैंने इसके लिख दिया आंसर 10s। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिजिट की तरफ। बेटे ये आपके पास है 7.72, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है मैंने किस डिजिट की, 2 की, क्योंकि 2 आपका यहाँ पर शेडेड है। तो मैंने क्या किया, डेसिमल पॉइंट के ऊपर एक डेसिमल पॉइंट पुट कर लिया और रफ में मैंने प्लेस वैल्यू लिख ली। मुझे मालूम है कि डेसिमल पॉइंट से पहले सारे होल नंबर्स होते हैं, दिस इज यूनिट, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो होते हैं वो सारे होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, और उसमें यूनिट तो होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 यूनिट 10 100, और क्योंकि ये स्मॉल होते हैं दे आर बीइंग डिवाइडिंग, तो ये आपके पास आएगा 10 TH और ये आपके पास आ जाएगा 100 TH। ठीक है मेरे बेटे, और अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 100s। तो मैंने सिंपली क्या किया कि यहाँ पर 100s लिख दिया। इसी तरह आपके पास ये है, ये यहाँ पर वैल्यूज आपके पास ये है, ये आपके पास आ गया 10s, और यहाँ पे लास्ट में आपकी वैल्यू है तो ये आपके पास आ गई 1000s। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेम्बर, जस्ट लर्न द वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज। ये मैं आपको डे वन से होमवर्क दे रही हूँ कि आपने तमाम प्लेस वैल्यूज याद करके रखनी है। जैसे आपको बेटे प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मिलियंस तक होल नंबर की प्लेस वैल्यू आती है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियंस। इसी तरह आपके पास डेसिमल वर्ल्ड है, आप यूनिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और वहाँ पे प्लेस वैल्यूज क्या आ जाती हैं, बस वहाँ पे बेटे यूनिट नहीं है, बाकी सारी प्लेस वैल्यूज वही है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, लेकिन टी एच एस, ऑल दीज वैल्यूज आर बींग डिवाइडेड बाय द पोजीशन। ओके, अब आपके पास ये देखिए, ये हमने चैप्टर वन में भी इस तरह की एक्सरसाइज की थी, जैसे कि एक्सरसाइज भी है। इसके अंदर आपके पास एक वैल्यू गिवन है, आपने क्या करना है बेटे, आपने उस वैल्यू में ऊपर छोटी सी प्लेस वैल्यू पुट कर देनी है जैसे टीचर ने रफ में की हुई है, और फिर उसका नाम लिख देना, ये 1000 THS है मतलब थाउजेंड्स, हाँ HTH है मतलब हंड्रेड्स, ये 10 TH है मतलब टेंस, और ये तो यूनिट और टेंस, इसकी तो हमारी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, बस आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, बुक पे बिल्कुल भी नहीं करनी है, कीप इट इन योर माइंड कि ये आपने बिल्कुल भी बुक पे मेरे बेटे नहीं करनी है, सारा काम आपने रफ वर्क पे लूज शीट पे करना है। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक तो आपका ये काम हो चुका होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि मैंने ये सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स तो ईद से पहले ही, बल्कि काफ़ी ऐसे पहले ही अपलोड करवा दिए थे, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए आपकी जूम क्लास है, ताकि आपको मज़ीद अपना काम क्लियरली समझ आए कि आपको एक्चुअली करना क्या है। ठीक है बेटे जी, अब आपका असाइनमेंट वन है, असाइनमेंट वन ऑफ मैथ्स भी, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक है, आपने बेटे इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको समझाया। आपने एक नंबर लिख लेना है, जैसे कि 7.72 है, और इसमें आपने 2, 7 की वैल्यू बतानी है, तो आगे आपने डैश लगा के लिख देना है टेंस, क्लियर, और अगर आपने इस 10 की वैल्यू बतानी है तो आपने लिख देना है टेंस, बस आपने जो शेडेड डिजिट है उसकी वैल्यूज बतानी है। ओके, और जो आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज बी, सिर्फ 4 क्वेश्चंस है, उसमें बस बेटे ये होगा कि आपके प्लेस वैल्यू की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपकी प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी तो आने वाली तमाम एक्सरसाइजेस आपको बहुत आसान लगेंगी। आई रिपीट, अटेम्प्ट गिवन असाइनमेंट नीटली ऑन लूज शीट्स, डोंट डू एनी वर्क ऑन योर नोटबुक्स और कॉपीज। ओके, होपफुली आपको आज का लेक्चर बखूबी समझ आ गया होगा। दिस इज ऑल फॉर नाउ, इंशाअल्लाह अब कल मुलाकात होगी, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।